दुमका के सिटी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी का परमंडलीय बैठक चल रहा है। बाबूलाल अतिथि के रूप में यहाँ पहुँचे हैं, क्या है पूरा कार्यक्रम हमें बताएंगे। मीडिया प्रवक्ता हैं भाजपा के दुमका जिला के पिंटू अग्रवाल जी, क्या है कार्यक्रम? बाबूलाल जी पहुँचे, बहुत सारे लोग पहुँचे। देश आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, उसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का विगत कई दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे यहाँ संथाल परगना प्रमंडल के सभी मंडल अध्यक्ष, 103 मंडल और उस मंडल के प्रभारी की बैठक हो रही है। हर घर तिरंगा, हर घर झंडा ये लगे, उसके उपलक्ष्य में यह बैठक हुई है। और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी आए हुए हैं। और अभी हम लोग इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वीर कुंवर सिंह चौक से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा तक तिरंगा यात्रा निकालेंगे। उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के महामंत्री प्रदीप वर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा जी, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभय कांत प्रसाद जी और अन्य प्रदेश के पदाधिकारीगण और शहर के गणमान्य कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता और जो हमारे मंडल से जो आए हुए हैं सभी जिले से, वो सभी कार्यकर्ता उस आपको तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। ये अभी जो मंच पर हैं, जो बैठक हो रहा है, इस चीज़ को लेकर के बैठक हो रहा है, ये तिरंगा यात्रा के लेकर बैठक हो रही है कि 103 मंडल पे जाके बैठक होना संभव नहीं था, तो इसलिए सभी मंडलों अध्यक्ष को यहाँ पर बुलाया गया एक जगह। और कार्यक्रम चल रहा था लेकिन कार्यक्रम की समीक्षा नहीं हो सक रही थी, इसलिए उस उपरांत ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि कार्यक्रम हमारा लगातार है और कार्यक्रम करते आ रहे हैं और क्या कार्यक्रम आगे करना है उसकी जानकारी हमारे प्रदेश के नेता दे रहे हैं। निश्चित रूप से बाबूलाल जी आए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश है और लगातार भाजपा के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा, पद यात्रा और ग्रामीण क्षेत्र में तिरंगा को फहराने को लेकर के जो अमृत वर्ष मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो मोदी जी की घोषणा के बाद भाजपा मना रहे हैं, उसको लेकर के दुमका भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय हैं। लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।